हेलो एवरीवन, मेरा नाम शर्जील बाबर है और मैं मेंटोर्स पर वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वर्डप्रेस की बेसिक ट्रेनिंग सिखाएंगे, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन फर्स्ट एपिसोड जो हमारे सीरीज की है उसमें हम बताएंगे कैसे इंस्टॉलेशन की जाती है। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक जैम सॉफ्टवेयर और एक साथ वर्डप्रेस। तो सबसे पहले हम जैम डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका देख लेते हैं, उसके बाद हम वर्डप्रेस के ऊपर चलेंगे। जैम्प डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली टाइप करें जैम्प डाउनलोड, उसके बाद डाउनलोड जैम्प का फर्स्ट लिंक आएगा, उसको ओपन करें और 7.3.33 जो ये इसका वर्जन है इसको डाउनलोड कर लें। सिंपली इस पर क्लिक करें और इसको सेव कर लें, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ। इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ मैं चलता हूँ क्योंकि मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड जो है आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कुछ MB की फाइल है, ये 150 MB की फाइल है, तो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करती है ये यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। EXE फाइल को ओपन करके आपने सिंपली जस्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट करना है। अभी आपके सामने इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हमारे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट करें। यहाँ पर जो फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ जैम ऑलरेडी खुद ही फोल्डर क्रिएट कर देगा, वो जैम के नाम से आपकी सी ड्राइव के अंदर। इसको नेक्स्ट कर दें, सिंपली नेक्स्ट, और यहाँ पर आपकी इसको जब नेक्स्ट करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद जो है आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो कुछ टाइम टेकिंग है, यहाँ पर टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट बाजू का लग जाते हैं, तो इधर कुछ वेट कर लेते हैं हम। ये हमारा जो जैम की इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो गई, हम इसको फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप लोकल होस्ट पर सर्च करें तो यहाँ पर ये आपको कुछ एरर देगा, ये दिस साइट कैन नॉट बी रीच। तो ये इस वजह से आता है कि आपने अपना जैम पर जो है वो इसको रन नहीं किया होता। तो जैम रन करने के लिए अपाची एंड MySQL को डेटाबेस ये हमें रन करना पड़ता है। अब जैसे ही हमने ये रन किया तो इसका डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड को चेक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हमने उसको देखना, वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए हम वर्डप्रेस सिंपली डाउनलोड सर्च करेंगे और यहाँ पर wordpress.org की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डाउनलोडिंग की फाइल आ जाएगी, इसको डाउनलोड करें। ये कुछ MB की फाइल है, ये भी ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, मैं इसको इसी को यूज़ करता हूँ। अब आपने अपने सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में आपने अपना जैम फोल्डर लोकेट करना है। जैम फोल्डर लोकेट करने के बाद आपने htdocs में जाना है, htdocs में आपने वो उस नाम से फोल्डर क्रिएट करना है जिस नाम से आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। मैं मेंटोर्स के नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस को रखना। तो हम वर्डप्रेस की जो हमने फाइल डाउनलोड की है हम उसको कॉपी कर लेते हैं, जिप फाइल को कॉपी करते हैं और उसी फोल्डर में जाते हैं, जैम के फोल्डर में जाकर htdocs में जो हमने फोल्डर बनाया है मेंटोर्स का, वहां पर जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारी जो जिप फाइल हम उसको डिलीट कर देंगे और वर्डप्रेस के फाइल को ओपन करेंगे और वहाँ पर हम जितनी भी अदर फाइल्स हैं इनको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इनको इस फोल्डर से बाहर रख लेंगे। और उसके बाद हम फोल्डर वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमने चेक करना है कि क्या हमारा फोल्डर सही तरह लोकेट हो रहा है कि नहीं। उसके लिए आप लोकल होस्ट सर्च करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम, हमारे फोल्डर का नाम मेंटोर्स था, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके कॉन्फ़िगरेशन आ गई, सेटअप आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम इसके ये चेक करने के बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपने लोकल होस्ट के, जैम के लोकल होस्ट के डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में जाने के लिए हम PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे। PHP माई एडमिन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है।
डेटाबेस क्रिएट करना बहुत इजी है। हम न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करने के बाद हम उसी नाम से डेटाबेस बनाएंगे जिस नाम से हमने फोल्डर क्रिएट किया है, और ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमारा हमने इसको इस जो हमारा सेटअप है इसको रन करना है, यहाँ पर कंटिन्यू करें। यहाँ पर पांच चीज़ें वो आपसे पूछेगा, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूजर नेम और डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस की होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। हम इसको लेट्स गो करेंगे और डेटाबेस का हमारा वो नाम आएगा जो हमने वहाँ पर फोल्डर क्रिएट की करने के लिए दिया। ये वाला जो यूज़र नेम है ये डेटाबेस का यूज़र नेम है, ये बाय डिफॉल्ट रूट होता है, इसको रूट कर दें, और पासवर्ड नल होता है, और डेटाबेस होस्ट जो होता है वो लोकल होस्ट होता है। इसको सबमिट कर दें, इस इंस्टॉलेशन को रन करें। रन करने के बाद वो आपसे साइट का टाइटल पूछेगा, मेंटोर्स यहाँ पर साइट का टाइटल, और उस यहाँ पर हमने वो यूजर नेम देना है जो हमारी वेबसाइट का होगा, तो यूजर नेम मैं एडमिन दे देता हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से पासवर्ड दे सकते हैं, लाइक मैं एडमिन अगर एडमिन सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप वीक पासवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको कंफर्म कर दें, अदरवाइज ये इंस्टॉल नहीं होगा वर्डप्रेस। यहाँ पर आप अपना ईमेल दें, ईमेल इसलिए देना है ज़रूरी है क्योंकि अगर फॉरगॉट पासवर्ड के लिंक पर क्लिक करते तो वो आपके इस ईमेल के ऊपर जाएगा। और सर्च इंजन विजिबिलिटी जो है वो अगर आप इसको चेक कर देते हैं, और अगर आप इस साइट को लाइव करना चाहते हैं तो गूगल कभी भी अपने इंडेक्स के ऊपर इस वेबसाइट को लेकर नहीं आएगा, आपने इसको अनचेक रहने देना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम अपना वही यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद हम अपना चेक करेंगे क्या डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, यानी डैशबोर्ड ओपन हो गया इसका मतलब हमारा वर्डप्रेस करेक्टली इंस्टॉल हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।